क्या नाम है आपका? ये कौन सा मोहल्ला लगता है? ये काशीराम कॉलोनी। काशीराम कॉलोनी, क्या है मामला यहाँ? यहाँ नाली साफ करते है वही कचरा मिठाई डाल देते है वही फिर चला जाता है नाली। नमस्कार, आप देख रहे ई क्राइम न्यूज शहर, आपका खबर हमारी निष्पक्ष खबर का होगा सर। आइए रुक करते उन्नाव उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर पर। उन्नाव काशीराम कॉलोनी में स्वच्छ भारत मिशन को जिम्मेदारों द्वारा दिखाया जा रहा ठेंगा, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के सख्त आदेश दिए हैं और कोविड-19 के चलते नगर मोहल्ले और गाँव गाँव में साफ सफाई, सैनिटाइजर और चूने का छिड़काव भी करवा रहे। लेकिन वही एक तरफ उन्नाव के निकट काशीराम कॉलोनी में प्रधानमंत्री के आदेशों को ताक पर रखकर स्वच्छ भारत मिशन और कोविड-19 महामारी के चलते सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आलम यह कि काशीराम कॉलोनी की गलियों और इर्द गिर्द आमने सामने मलमूत्र और कचरे कूड़े का अंबार लगा हुआ है और गंदे जानवर हर एक घर के सामने झुंड बनाकर घूमते नजर आ रहे हैं। यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, साफ सफाई कर्मी की लापरवाही से बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा। अगर इसी तरह काशीराम कॉलोनी में गंदगी और मलमूत्र कचरे कूड़े का अंबार लगा रहा तो जल्द ही कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी उत्पन्न होने में देर नहीं लगेगी। सोचने की बात तो यह है, काशीराम कॉलोनी के बगल में तहसील का मुख्य द्वार है और तहसील में प्रतिदिन शहर के आला अधिकारी का आवागमन बना रहता है, लेकिन किसी भी अधिकारी की नजर इस गंदगी की ओर नहीं पड़ती। पूरी तरह से यहां के आला अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। अगर यही आलम रहा तो जल्द ही काशीराम कॉलोनी के साथ साथ तहसील में आए हुए आम जनमानस और यहां के आला अधिकारी भी बीमारी के शिकार बन सकते हैं। उन्नाव से क्राइम ब्यूरो मोहम्मद इदरीस के खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? छोटे मियाँ जी, यहाँ का क्या है मामला गंदगी को लेकर? गंदगी क्या, सफाई करते हैं और कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है, उठाने कभी नहीं आते हैं। कहो तो बताते हैं, पानी निचुड़ जाए फिर उठा लेंगे। 15 दिन में महीना भर में ऐसे नाली खाली साफ करके बस चले जाते हैं। तो आपने कहीं किसी उच्च अधिकारी से अभी तक शिकायत की? जो ठेकेदार रहते हैं उनसे बोलते हैं, कहते उठवा लेंगे, फिर उठाते नहीं। कब से सफाई नहीं हुई है? अब इधर 15 दिन से हुई नहीं, बाहरी कचरा निकाल के डाल दिया तो वैसे ही पड़ा है। तो कचरा बाहर नाली से निकाल कर डालने के बाद क्या उठा के नहीं ले जाते? नहीं, उठा के नहीं ले जाते। फिर वो कचरा कहाँ जाता है? कचरा फिर वापस नाली में जाता है। है आपका सुरेश भैया, क्या है यहाँ का पूरा मामला गंदगी को लेकर? भैया अब कहाँ करते, जाल के चले जाते और उठाने नहीं आते। ये कब से चल रहा है कूड़े का मामला? अरे ये काफी दिन से चल रहा है, और लेके ये सब। क्या नाम है आपका? ये कौन सा मोहल्ला लगता है? ये काशीराम कॉलोनी। काशीराम कॉलोनी, क्या है मामला यहाँ? यहाँ नाली साफ करते है वही कचरा मिठाई डाल देते है वही फिर चला जाता है नाली में। कब से चल रहा है ये? यहाँ साल भर चल रहा है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है।